कह रहे हैं कि पीओके को फिर से लाना है तो 400 पार करना होगा, 300 पार हुआ तो क्या कुछ हुआ। लेकिन सवाल है कि यहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि मनीष जायसवाल के मन में हजारीबाग को लेकर क्या विजन है। हम लोग ऐसे दल से आते हैं, मैं स्वयं 10 साल तक विधायक रहा हूँ, एक आरोप नहीं है नरेंद्र मोदी जी पर, एक आरोप नहीं है। एक ऐसे सच्चे और स्वच्छ दल से आते हैं जहाँ आरोपों का कोई सवाल ही नहीं उठता। और जहाँ तक बात रहा उनके जीतने का, तो पटकनी मजबूती से होगी। मनीष जी अकेले हो जा रहे हैं लग रहा है, यशवंत जी तो पहले चले गए थे, जयंत जी के बेटे उस दिन खड़गे जी को सुनने के लिए चले गए, तो ये क्या लग रहा है कि इन सब से कुछ नुकसान होगा कि लोग आपके साथ हैं? जो हमारे दल के साथ हृदय से था ही नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए अगर हमारे साथ था तो वैसे लोगों के साथ हम लोगों का कोई वास्ता नहीं है। आज मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ, 10 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के बैकिंग के साथ मनीष जायसवाल इस लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है। इंडिया वालों का ख्वाब जो है ना, एक ऐसा गठबंधन है इंडिया जिसके आधे लोग या तो जेल में हैं या बेल पे हैं, मतलब एकदम स्पष्ट है कि या तो जेल में है या बेल में है। और ऐसे लोग केवल इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि उनको ज्यादा प्रताड़ना नहीं झेलना पड़े, इसी बात की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। हजारीबाग लोकसभा सीट में ही इधर से उधर लोग जा रहे हैं, आपके साथी विधायक उधर जाकर उम्मीदवार बन गए, आप उनके बहनोई को ले आए अपने। जो उम्मीदवार गए हैं वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से गए हैं, उनको दुनिया के सारे पद उन्हीं को चाहिए थे। वो पहले उपाध्यक्ष थे, सचेतक थे, उसके बाद में उनको लीडर पोजीशन भी चाहिए था, सांसद का टिकट भी चाहिए था। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बरही में एक बड़ी जनसभा थी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर सभा करने के लिए आए थे, सभा करके निकल गए। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी हैं। मनीष जी, भीड़ तो काफ़ी थी, मोहन यादव के आने के बाद क्या लगता है माहौल बदल रहा है? इससे पहले भी और बड़े बड़े नेता आ चुके हैं इस क्षेत्र। देखिए, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी का महत्व समझ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के महत्व को समझ रहे हैं कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी की क्या अहमियत है, क्यों ज़रूरत है। तो जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो यहाँ क्षेत्र की जनता जो है, अब चूँकि अंत चुनाव अंत का समय आ रहा है, तो अब वो अपना जो है फीलिंग्स को अपना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। आप विधायक रहे हैं, अब ये लोकसभा का दायरा बहुत बड़ा होता है, घूम रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या इससे पहले भी आपका योगदान रहता था इसी साथ? देखिए, पहले भी जब मैं विधायक था हजारीबाग सदर से, तो बरही, इचाक, हालांकि वो इस क्षेत्र में नहीं आता, बड़का गांव, विष्णुगढ़, इन सब क्षेत्रों के लोग हम लोग के पास आते रहते थे और हम लोग इनका काम भी करते थे, चाहे ट्रांसफार्मर जलने का विषय हो या कोई और विषय हो, तो हम लोग करते रहते थे। एरिया विस्तार, आदमी का उम्र भी बढ़ता है, ऐसे एरिया विस्तार भी एकदम अच्छे से हैंडल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि मनीष जी अकेले हो जा रहे हैं लग रहा है, यशवंत जी तो पहले चले गए थे, जयंत जी के बेटे उस दिन खड़गे जी को सुनने के लिए चले गए, तो ये क्या लग रहा है कि इन सब से कुछ नुकसान होगा कि लोग आपके साथ हैं? देखिए, ये सब आप लोगों का क्रिएटेड चीज़ है। मनीष जायसवाल 10 करोड़ सदस्य वाले एक पार्टी का सदस्य है, 10 करोड़ लोगों के साथ है, एक दो लोग चले गए जो कभी दिल से इस दल में थे ही नहीं, वो चले गए, उनके जाने का कोई अफसोस भी नहीं है। जो अगर हमारा इस दल का कोई महत्वपूर्ण सदस्य जाए तो हम लोग उसका जरूर अफसोस करेंगे, लेकिन जो हमारे दल के साथ हृदय से था ही नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए अगर हमारे साथ था, तो वैसे लोगों के साथ हम लोगों का कोई वास्ता नहीं है। आज मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ, 10 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के बैकिंग के साथ मनीष जायसवाल इस लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है। सबसे अधिक हजारीबाग लोकसभा सीट में ही इधर से उधर लोग जा रहे हैं, आपके साथी विधायक उधर जाकर उम्मीदवार बन गए, आप उनके बहनोई को ले आए अपने यहाँ? देखिए, वो महत्वाकांक्षा है उनकी, बहनोई तो आए हैं हमारे पास, उनका साफ साफ कहना है कि हम कोई राजनीतिक एम्बिशन के लिए नहीं आए, हम नरेंद्र मोदी जी से इम्प्रेस होकर के आए हैं, उनकी भावनाओं से इम्प्रेस होकर के आए हैं। जबकि जो उम्मीदवार गए हैं वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से गए हैं, उनको दुनिया के सारे पद उन्हीं को चाहिए थे। वो पहले उपाध्यक्ष थे, सचेतक थे, उसके बाद में उनको लीडर पोजीशन भी चाहिए था, सांसद का टिकट भी चाहिए था। तो पार्टी, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, अपने हिसाब से निर्णय करती है, और निर्णय कई एक बार हम लोगों के भावनाओं के विपरीत भी हो सकता है, लेकिन जो सच्चा सेवक होगा वो कभी भी अपने इरादों को अटल नहीं करेगा और कभी भी पलटन नहीं मारेगा।
पिछली बार जो जीत का आंकड़ा था वो 4.5 लाख के आसपास था, और जबकि जयंत जी के प्रति नाराजगी थी। आप उम्मीदवार बने हैं, मैं घूम रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से, लोग बोल रहे हैं कि नहीं मनीष जायसवाल कम से कम मिलते हैं सुनते हैं, तो क्या लग रहा है ये आंकड़ा बढ़ेगा कि अभी लग रहा है कि लड़ाई बहुत टाइट है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि इस बार तो हम ही लोग मारेंगे बाजी? देखिए दो बात आपको स्पष्ट करें, पहले ये मार्जिन का लड़ाई बिल्कुल नहीं है। हम लोगों के साथ 80% आइडियोलॉजी के लोग हमारे पार्ट के हैं। हम लोग का पहला प्रयास है कि उस 80% जो लोग हम लोगों के विचारधारा के हैं वो हम लोग के साथ जुड़े। हम तो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, भले मार्जिन 2 वोट का क्यों नहीं हो, पहला। दूसरा, इंडिया वालों का ख्वाब जो है ना, एक ऐसा गठबंधन है इंडिया जिसके आधे लोग या तो जेल में हैं या बेल पे हैं, मतलब एकदम स्पष्ट है कि या तो जेल में है या बेल में है, और ऐसे लोग केवल इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि उनको ज़्यादा प्रताड़ना नहीं झेलना पड़े, इसी बात की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। हम लोग ऐसे दल से आते हैं, मैं स्वयं 10 साल तक विधायक रहा हूं, एक आरोप नहीं है नरेंद्र मोदी जी पर, एक आरोप नहीं है। एक ऐसे सच्चे और स्वच्छ दल से आते हैं जहाँ आरोपों का कोई सवाल ही नहीं उठता, और जहाँ तक बात रहा उनके जीतने का तो पटकनी मजबूती से होगी। आपका भाषण सुन रहा था, आप कह रहे हैं कि पीओके को फिर से लाना है तो 400 पार करना होगा, 300 पार हुआ तो क्या कुछ हुआ, लेकिन सवाल है कि यहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि मनीष जायसवाल के मन में हजारीबाग को लेकर क्या विजन है, खास करके एक नाराजगी रेलवे को लेकर होती है, कोई ट्रेनें रुकती नहीं, सिर्फ कोयला ढोने के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल होता है। देखिए हजारीबाग में मैं अभी लगभग 1500 गाँव गया हूँ, 4 बड़ा प्रमुख मुद्दा है जिस पर काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर विस्थापन का है। आज जिस धरती पर हम लोग खड़े हैं ये भी विस्थापितों की धरती है। यहाँ पे तिलैया डैम 1950 और 60 के पीरियड में बना, आज तक यहाँ का विस्थापन सेटल नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। 75 साल हो गए इस डैम को बने हुए, आज तक नहीं हुआ। कोनार डैम वही हालत है, पतरातू डैम वही हालत है, जो CCL के माइंस हैं वही हालत है, अभी जो नई माइंस खुल रही हैं वही हालत है। तो सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मुद्दा नंबर 1 अगर कोई है तो वो विस्थापन का है। मुद्दा नंबर 2 है कि यहाँ पर यात्री पर जो ट्रेनें हैं उसका परिचालन नहीं होता है, चाहे आप पुराने स्टेशन जो बड़का काना है, रामगढ़ है, पतरातू है, वहाँ देख लीजिए तो ट्रेनें कम हैं, यहाँ से ट्रेनें खुलती नहीं हैं जल्दी। हमारे यहाँ से पलायन का सब्जेक्ट है, लोग पढ़ने बाहर गए हैं, लेकिन ट्रेन के लिए या तो रांची जाना होगा या कोडरमा जाना पड़ेगा। आज हजारीबाग और बरही भी चालू हुआ तो यहाँ पर भी ट्रेनों का परिचालन कम है। तीसरा, पेयजल। आज बरही के बगल में डैम है, तिलैया डैम है, यहीं के लोग विस्थापित है, यहाँ का जो पानी का टंकी है वो पिछले 15 सालों से निर्माणाधीन है, 15 साल से नहीं बन पाया है, तो पेयजल की समस्या यहाँ पर भी है। और संपूर्ण जो कोयलांचल का क्षेत्र, जो माइंस का क्षेत्र है, उन सभी जगहों पर ये जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और चौथा मुद्दा और सर्वाधिक इसके मामले आपको देखने को मिलेंगे तो वो सड़क का मामला है। इसका सर्वाधिक मामला मांडू विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। आज मैं एकदम जिम्मेवारी के साथ आपको कह सकता हूं कि इस 5 विधानसभा के सेगमेंट में, इस लोकसभा में मांडू विधानसभा सबसे अविकसित क्षेत्र है। 5ों में अगर आप तुलना करेंगे, हजारीबाग सदर, बरही, बड़का गांव, रामगढ़ और मांडू में, तो मांडू सबसे पिछड़ा हुआ है, विकास से कोसों दूर है। से कई लोग बोल रहे हैं कि विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि मनीष जायसवाल व्यवसायी परिवार से हैं, इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन आप उतना सब कुछ होने के बाद सामाजिक जीवन में आए, इसका जवाब लगातार आप दे रहे हैं, सवाल भी पूछा जा रहा है, क्यों, आखिर क्या लग रहा है कि व्यवसायी होना सचमुच में गलत? देखिए सबसे 2 प्रश्न इसमें आते हैं। पहला प्रश्न यही है कि जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं वो खुद व्यवसायी हैं। मैं नाम लेकर के बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जिन्होंने भी आरोप लगाया उनके वो और उनके परिवार के लोग स्वयं व्यवसायी हैं, तो ये केवल राजनीतिकरण करने का विषय है। दूसरा कि मैं आज का व्यवसायी नहीं हूँ, आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनसे पूछिए, मैं 3रे जनरेशन का व्यवसायी, मेरे दादा व्यवसायी थे, मेरे पिताजी व्यवसायी थे, मैं व्यवसायी हूँ, मेरा बेटा भी आज 4थे जनरेशन में व्यवसायी है, और व्यवसायी होना मेरे लिए गर्व का विषय है। मैं संपूर्ण व्यवसायियों को रिप्रेजेंट भी करता हूं और उसमें मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा गर्व का विषय है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। और मैं जो आज समाज सेवा के क्षेत्र में हूं, इसी व्यापार का जो प्रोसीड है उसी के माध्यम से मैं जो हूं आज लोगों की सेवा करने में सक्षम रहता हूं। आज बेटियों को लहंगा मिलता है तो उसी पैसे से मिलता है, आज श्राद्ध में लोगों को मदद करता हूँ तो उसी पैसे से करता हूँ, छठ व्रतियों को जो साड़ी देता हूँ उसी पैसे से देता हूँ,
जितना भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई भी, जिसमें मैं अगर सहयोग करता हूं तो उसी पैसे से करता हूं, मंदिरों में सहयोग उसी पैसे से करता हूं, गरीबों का इलाज उसी पैसे से करता हूं, लोगों की फीस उसी पैसे से देता हूं, और मुझे गर्व है कि मैं व्यवसायी हूं। और ऐसे दोगले लोगों को जो अपने भी व्यवसाय में हैं और दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, उनके नाम पे थूकता हूँ। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहाँ है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंक कोर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360006191। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.